अदालत की अवमानना के मामले में वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि माफी मांगना उनके अपने जमीर की अवमानना के बराबर होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा यह देखना है, लेकिन इतिहास खुद को दोहरा चुका है। जी हाँ, 60 साल पहले भी ऐसा हुआ था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं कोरा प्लेस पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशांत भूषण से जुड़े कोर्ट के अवमानना मामले से जुड़ी कुछ रोचक बात। ₹100 का जुर्माना दीजिए या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में जेल जाइए। अदालत ने जब यह फैसला सुनाया तो दोषी कटघरे से आवाज आई कि वो जेल जाना पसंद करेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कोर्ट की अवमानना के आरोप में माफी मांगने से इनकार करने और जेल जाने के लिए तैयार होने की बात कही, लेकिन हम बात कर रहे हैं करीब 61 साल पहले के मंजूरन से जुड़े अवमानना के केस की, जो केरल के हाई कोर्ट में चल रहा था। साल 1959 में पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मथाई मंजूरन प्रेस की आजादी के लिए खड़े हुए थे और अदालत की अवमानना के एक केस में उन्होंने प्रशांत भूषण की तरह ही माफी मांगने से इनकार कर दिया था। जुर्माना देकर छूटना भी उन्हें गवारा नहीं था और स्वतंत्र प्रेस की मांग के लिए उन्होंने जेल जाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। दरअसल इसकी शुरुआत होती है करीब 62 साल पहले केरल के त्रिशूर में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसा से, जिसमें चाकुओं के हमले से 6 कांग्रेसी मारे गए थे। इस मामले की खबर मलयालम के दैनिक अखबार केरल प्रकाशम में विस्तार से 29 जुलाई 1958 के संस्करण में छापी गई थी, जिसमें कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी थी। इस खबर के छपने के बाद एडिटर मंजूरन और प्रकाशक सुधाकरण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चला था। मंजूरन और सुधाकरण दोनों ने ही अपने शपथ पत्र में इस आरोप को मानने से इनकार किया। यही नहीं, दोनों ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह के एफिडेविट के बाद केस आगे बढ़ा। करीब एक साल बाद अदालत ने 20 पेज के फैसले में मंजूरन और सुधाकरण को दोषी करार दिया। हालांकि पत्रकार को जेल भेजने में अदालत को भी हिचक थी, इसलिए मंजूरन को ₹100 के जुर्माने का भी रास्ता दिखाया गया। साथ ही सुधाकरण के लिए 15 दिनों तक ₹50 जुर्माना देने का रास्ता भी था, लेकिन दोनों ने ही बोलने की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के हवाले से जेल जाना कबूल किया। दोनों को त्रिशूर की वियूर जेल भेजा गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। स्वराज चौक पर आजादी के दीवानों का सत्कार, अदालत के इस फैसले और लोगों की भावनाओं के बीच कितना फर्क था, यह तब नजर आया जब मंजूरन जेल से रिहा होकर बाहर आए। उनके समर्थकों और दोस्तों ने भीड़ की मौजूदगी में जेल से 4 किलोमीटर दूर त्रिशूर के बीचों बीच स्थित स्वराज चौक पर मंजूरन का भव्य स्वागत सत्कार किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।